आज हम टेली में सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का एंट्री। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का एंट्री टेली में कैसे पास किया जाता है उसको आज हम सीखेंगे। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन है, कंपनी हैज़ डिसाइड टू प्रोड्यूस अ न्यू फेस लोशन फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। यानी कि कंपनी ने डिसाइड किया कि एक फेस लोशन बनाएंगे, उसको प्रोड्यूस करेगा मार्केट में, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है कि 100 ml का फेस लोशन बना रहा है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लग रहा है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ग्लिसरीन है 20 ml का, पैराफिन लिक्विड है 10 ml का, तो टोकोफेरोल है 2 ml का। तो इसको हम कैसे हम टैली में बनाएंगे, तो चलिए हम देखते हैं। टैली में बनाने के लिए सबसे पहले स्टॉक आइटम बनाएंगे हम। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आप यहाँ देख रहे हैं क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब इंटर बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ग्लिसरीन। यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम लिखेंगे ग्लिसरीन, GLYCERIN, ग्लिसरीन। इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपसे ये अंडर पूछेगा, तो अंडर में आप बनाएंगे फेस लोशन, अल्ट सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे फेस लोशन और इंटर इंटर बटन प्रेस करेंगे। आपसे यूनिट पूछेगा, तो आपने क्वेश्चन में देखा था यूनिट क्या था मेरा, ML। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ML, इंचर इंचर, और एक्सेप्ट कर लेंगे, क्वांटिटी नहीं डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अगला स्टॉक आइटम है पैराफाइन लिक्विड, पैराफाइन लिक्विड, और इंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी आपने ग्रुप बना लिया था फेस लोशन, आप एफ बटन प्रेस करेंगे, या आप साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ फेस लोशन आपको शो कर रहा है, फेस लोशन चुनेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ यूनिट चुनेंगे ML और इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर अगला बनाएंगे। यहाँ अंडर फिर से डालेंगे फेस लोशन, यहाँ ML चुनेंगे और इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप डालेंगे अगला स्टॉक आइटम का नाम हाइड्रोक्सी लेटेड मिल्क। फिर यहाँ अंडर डालेंगे फेस लोशन और यहाँ यूनिट चुनेंगे ईमेल और इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगला नाम डालेंगे रोज वाटर, फिर यहाँ फेस लोशन चुनेंगे, यूनिट ML चुनेंगे और इंटर करेंगे। फिर बनाएंगे इसेंस, यहाँ चुनेंगे फेस लोशन, यूनिट चुनेंगे ML, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि हमने सारा स्टॉक आइटम बना लिया है, लेकिन हमें क्या प्रोड्यूस करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा था कि हमें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फेस लोशन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फेस लोशन कितने ML का है, तो 100 ML का। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, फेस लोशन बनाना होगा, और उसमें हमको क्या चाहिए। चलिए तो हम फेस लोशन बनाते हैं, और उसमें हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड यस करना है। उसके लिए हम टैली में जाएंगे, स्टॉक आइटम में हम यहाँ लिखेंगे फेस लोशन
अंडर चुनेंगे, फेस लोशन ही ml। अबे हमें यहाँ रॉ मटेरियल यूज़ करना है, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल को यस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F12 बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे। चाहे हम राइट साइड में देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, राइट साइड में आपको दिखेगा कॉन्फ़िगर का ऑप्शन, डाउन में F12 है, F यहाँ प्रेस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रोवाइड, आप नीचे जाइएगा, यहाँ देखिए बिल ऑफ मटेरियल दिख रहा है, बिल ऑफ मटेरियल यानी कि उस स्टॉक आइटम फेस लोशन में क्या क्या मटेरियल लगा है उसको डालने के लिए हम यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स को यस करेंगे। यस करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम फेस लोशन स्टॉक आइटम बना रहे थे वहाँ पर BOM आ गया है, अब इसको हम यहाँ यस कर देंगे। यहाँ पर डालेंगे, नाम लिखेंगे, हमने क्या बना रहे हैं, फेस लोशन। आपने क्वेश्चन में देखा था कितने ml का हमें बनाना है, अभी आपने क्वेश्चन में देखा था कि हमें कितने ml का बनाना है, 100 ml का, तो हम यहाँ पर डालेंगे 100 ml। अब आपसे पूछेगा कि जो स्टॉक आइटम का नाम है, तो अभी आपने बनाया था ग्लिसरीन, आपसे गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन हम यहाँ पर डालेंगे 100 ml गोडाउन। अब यहाँ पे हम डालेंगे कितना ml है, 20 ml। फिर हम यहाँ पर डालेंगे नेक्स्ट, फिर हम यहाँ गोडाउन चुनेंगे रोहिणी, और यहाँ पर हम डालेंगे 10 ml। फिर हम यहाँ पर चुनेंगे, फिर यहाँ चुनेंगे गोडाउन रोहिणी, और हम यहाँ पर डालेंगे 10 ml। इस तरह हमने रॉ मटेरियल बना लिया कि फेस लोशन के अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितना कितना ml लगेगा। हम यहाँ से इंटर करके बाहर निकल जाएंगे, देख रहे हैं कि हमने सारा रॉ मटेरियल बना लिया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज द रॉ मटेरियल, अब हम क्या करेंगे, मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, परचेज करेंगे। अब परचेज किससे कर रहे हैं, तो इंडियन स्टेशनरी से, मेरा बिल नंबर ये है, और इसमें रोहिणी गोडाउन से परचेज करके ला रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर टैली में एंट्री पास करेंगे, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, और गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे परचेज वाउचर में, और हम परचेज वाउचर के लिए शॉर्ट की प्रेस करेंगे F9, या राइट साइड में देख रहे हैं F9 बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे बिल नंबर पूछ रहा है, तो बिल नंबर डालेंगे, आपके क्वेश्चन में बिल नंबर लिखा हुआ है PB/IS/17-18, इंटर। किस डेट को मेरा यह एंट्री पास हो रहा है, किस डेट को परचेज कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन में देखे थे ये जो सामान परचेज किया जा रहा है, किस डेट को परचेज किया जा रहा है, तो 2/4/18 को। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे डेट, F2 बटन प्रेस करेंगे, या राइट साइड में F2 बटन देख रहे हैं यहाँ से प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/4/18, और यहाँ भी लिखेंगे 2/4/18। अब आपसे पार्टी नेम, आपने क्वेश्चन देखा था कि पार्टी नेम था इंडियन स्टेशनरी, तो आप यहाँ क्रिएट करेंगे, अल्ट सी कर सकते हैं, या क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ लिखेंगे इंडियन स्टेशनरी।
स्टेशनरी। अब ये पार्टी जो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में होगा। सन्ड्री क्रेडिटर मेंटेन बिल बाय बिल यस रहेगा और इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है परचेज लेजर, तो आप यहाँ पे परचेज लेजर बनाएंगे। मेरा बना हुआ है पहले से, तो हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। इसको बनाने के लिए अल्ट सी करते हैं, परचेज लेजर जाएगा आपका परचेज अकाउंट के अंदर। अब नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है कि क्या क्या आप रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में मेरा रॉ मटेरियल का नाम दिया हुआ है कि ग्लिसरीन 750 ML, 1 रुपया रेट है, पैराफाइन लिक्विड 750 ML, 1.5 रुपया रेट है। तो अब इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर जी प्रेस करेंगे, ग्लिसरीन आएगा। यहाँ पर आप सुनेंगे गोडाउन का नेम नॉट एप्लीकेबल इंचर। अब यहाँ पे आप गोडाउन नेम डालेंगे रोहिणी। आपसे क्वांटिटी पूछेगा तो आप क्वेश्चन देखे थे 750 ML, रेट था 1 रुपया, एंड ऑफ लिस्ट। फिर अगला हम डालेंगे यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन सुनेंगे रोहिणी और क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे। फिर इसी तरह हम अगला डालेंगे, फिर हम यहाँ चुनेंगे गोडाउन रोहिणी, इसका क्वांटिटी हम डालेंगे 500 ML, रेट है 125। रोज वाटर फाइव हंड्रेड, रेट है 1 रुपया। फिर रोहिणी गोडाउन, इसका 100 ML है, रेट है 2.25। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जितना क्वांटिटी आपसे पूछा है उतना हमने डाल दिया, 750 1 रुपया, 750 1.5 रुपया, 500 125, फिर 500 ML 175, 501 रुपया। और इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप एक बार मिला लेंगे, ग्लेसिन मेरा कितना था 750, रेट 1 रुपया, रिफाइन लिक्विड था 750, 1.5 रुपया, 500 ML 125, रोज वाटर 500 ML, सारा स्टॉक आइटम मेरा सही है। अब इंटर करेंगे, हम राशन लिखेंगे बीन परचेज अ रॉ मटेरियल। और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी आपने परचेज कर लिया, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अब हम मेरा क्या कर रहा है। अब कर रहा है कि क्रिएट अ भाउचर टाइप नेमली मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भाउचर अंडर स्टॉक जर्नल। उसके बाद हम पास द एंट्री प्रोड्यूस करेंगे 500 ML फेस लोशन को। तो चलिए हम पहले भाउचर टाइप बनाते हैं। भाउचर टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके बटन दबाएंगे। टाइप बनाने के लिए गेटवे ऑफ टेली में रहेंगे और गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है भाउचर टाइप, इस पर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ नाम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल MANUFACTURING मैन्युफैक्चरिंग जनरल। आपका ये जाएगा अंडर स्टॉक जनरल के अंदर। आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं कि स्टॉक जनरल यहाँ पर चुनेंगे,
एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप F10 बटन होता है शॉर्ट की, और इसमें हम खोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर, इसका शॉर्ट की होता है Alt F7, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। Alt F7 प्रेस करने से आपसे नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है। अभी आपने क्वेश्चन में देखा था कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, यहाँ पर फेस लोशन 500 ml, और आपका यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम डालेंगे फेस लोशन। आपसे लोकेशन पूछेगा तो गोडाउन का नाम था रोहिणी, क्वांटिटी डालेंगे 500। अब यहाँ पर देखेंगे कि सारा स्टॉक आइटम का नाम आ गया है रेट के अनुसार, और इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें 500 ml का मैन्युफैक्चर करने के लिए 490 ml टोटल लगा क्वांटिटी, और रेट लगा 748 रुपये 75 पैसा। अब इसमें एडिशनल कॉस्ट चार्ज किया जा रहा है, जैसा कि आप क्वेश्चन पर देख रहे हैं, इसमें लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और फैक्ट्री ओवरहेड और पैकिंग चार्ज लग रहा है। इसको हम बनाएंगे एडिशनल कॉस्ट में, एंटर करेंगे और यहाँ टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए Alt C बटन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कीबोर्ड से हम Alt C बटन प्रेस करेंगे और हम बनाएंगे यहाँ पर लेबर चार्ट, लेबर चार्ज। लेबर चार्ज जो आपका हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर कितना परसेंट है तो 2% डालेंगे, फिर Alt C करेंगे, फिर अगला हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ हम डालेंगे यहाँ पर कितना परसेंट है, 1%, फिर हम बनाएंगे Alt C करके फैक्ट्री, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कंपनी की जितना भी होता है वो सबसे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर आप बनाएंगे पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको लग रहा है 50 रुपया, तो आप यहाँ परसेंटेज नहीं डालेंगे, यहाँ 50 डालेंगे। अब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि टोटल कितना खर्चा बैठ रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे 168 ml फैक्ट्री रेट प्राइमरी 168 ml का यहाँ पर कितना रेट हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे एडिशनल कॉस्ट कितना आया है 91.19। अब टोटल हम मैन्युफैक्चर जो करेंगे इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो जाएगा 839.84 पैसा, 94 पैसा, यानी 839.94 पैसा आपका इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे।